नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। और आपका जो चैप्टर चल रहा था सेट थ्योरी, ये जो है पेपर वन का ग्रुप ए में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और इसमें आपको टाइप ऑफ सेट बता दिया गया है। और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा ऑफ ए सेट। अलजेब्रा ऑफ ए सेट्स भी बोल सकते हैं। इसमें आपका फोर टाइप का आता है। पहला आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स, दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, थर्ड नंबर में आता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और फोर्थ नंबर में आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। देखिए दोस्त, अलजेब्रा ऑफ ए सेट में जो हमको पढ़ना है यही हमको चार पढ़ना है। इसका चार टाइप होता है, यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। तो हम अब ये जो है टाइप होता है, और हम अब देखते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट किसको बोलते हैं। देखिए दोस्त, यूनियन ऑफ टू सेट कहता है द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट है ए एंड बी। मान लीजिए कोई ए और बी दो सेट है, कह रहा है उसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इस तरह डिनोट करते हैं। एंड ईच ए सेट, वो जो सेट होगा व्हिच एलिमेंट्स, उसका जितना भी एलिमेंट्स है, आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, उसका जितना भी एलिमेंट है वो सेट ए में होगा, या और का मतलब या सेट बी में होगा, या बोथ द सेट ए एंड बी, मतलब कि इसका जो एलिमेंट है इसको सेट ए यूनियन बी को ए यूनियन बी इस तरह डिनोट करते हैं। इसका जितना भी एलिमेंट है, या तो वो सेट ए का एलिमेंट है, या सेट बी का एलिमेंट है, या वो एलिमेंट ए और बी दोनों सेट का एलिमेंट है, ये हो गया। तो इसको अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दस ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स, ये बिलोंग करेगा ए में, या ये बिलोंग करेगा बी में। अब देखिए ए यूनियन बी, एक्स जो है ये ए यूनियन बी को, बी जो का जो सेट बना उस सेट का कोई एलिमेंट है, वो सेट हो सकता है सेट ए में बिलोंग करेगा या सेट बी में बिलोंग करेगा। तब यहां से हम कह सकते हैं क्लियरली कि अगर कोई एक्स एलिमेंट है और ए यूनियन बी है, तो उसको हम इंप्लाइज में कि वो एक्स एलिमेंट वो ए में हो सकता है या वो एलिमेंट बी में हो सकता है, ये हो गया। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तब हम उसको ये लिख सकते हैं। अगर को बोला जाएगा कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के अंतर्गत नहीं आएगा तब उसको क्या बोलेंगे। जब देखिए एक्स कोई एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है, तब हम उसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स, यहाँ हो जाएगा डज नॉट, x does not belong to a and x does not belong to b, मतलब कि वो जो एलिमेंट है ना सेट a में है ना सेट b में है। अब देखिए जैसे हम अगर इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे a जो सेट में मान लिए 1 2 3 4 एलिमेंट है, b में अगर मान लिए 5 3 4 5 6 एलिमेंट है, अगर बोलेगा फाइंड ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी निकालना है, तो देखिए अगर ए यूनियन बी बोलता है निकालने के लिए, तो सेट ए में जितना एलिमेंट है ए यूनियन बी, अब देखिए सेट ए में जितना एलिमेंट है और सेट बी में जितना एलिमेंट है, इस दोनों में देखेंगे कि कौन कौन कॉमन आता है। जो एलिमेंट कॉमन है उसको एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो जैसे देखिए आप 1 2 जो है 1 2 सेट बी में नहीं है, तो 1 2 को हम लिख लेंगे, 1 हो गया 2 हो गया। अब देखिए 3 4 इस सेट में भी है, 3 4 इस सेट में भी है, तो 3 4 को एक बार लिखना है 3 4। अब देखिए 3 4 इसका लिख लिए, सेट ए का खत्म। अब देखिए 3 4 जो है इस दोनों में मिल गया, तो इसको भी लिख लिए। अब इसमें बचा क्या 5 6, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 5 6, ये सेट बन गया। ए यूनियन बी से जो मान निकला, इससे जो सेट बना, इस सेट का जितना भी एलिमेंट है, यह एलिमेंट या तो सेट ए का है या तो सेट बी का है। कुछ ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और सेट बी में, आपका ये ए यूनियन बी। अब देखते हैं कि ये ए यूनियन बी का कुछ प्रॉपर्टी है, जो क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको हम देख लेते हैं। तो इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप लिखते जा रहे हैं तो लिखते जाइए, और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, यूनियन ऑफ टू सेट का ये प्रॉपर्टी है, यूनियन ऑफ टू सेट, टू सेट्स। देखिए फॉर एनी टू सेट, कोई दो सेट है, जैसे आप अभी एग्जांपल में देखें कि ए सेट था जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 था, और बी सेट था वो कितना था 3 4 5 6, ये एलिमेंट था। आपने क्या निकाला, ए यूनियन बी। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यही हो गया। अब देखिए दो सेट है, ए और बी था, और तीसरा सेट हम मेरा क्या बन गया, ए यूनियन बी एक सेट ही बना है, और ये भी एक सेट बना, और ये तीनों सेट में आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो है उसमें सेट ए का ऑल एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है वो कंटेंट हो रहा है। तो आप क्या जानते थे, अगर दो सेट है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट जितना भी एलिमेंट है वो अगर सेकेंड सेट में टोटल बिलोंग्स करता है, तब हम उसको कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और देखिए ये ए सेट का टोटल एलिमेंट मिला, तो ये ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी लिखें। अगर मेरा बी सेट का टोटल एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में मिलता है, तब हम यहां से लिख सकते हैं B is the subset of A union B, लिख सकते हैं। जब आप A subset, A is the subset of A union B और B is the subset of A union B लिख सकते हैं, तब हम यही हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर दो सेट है, दोनों सेट का अगर हम यूनियन निकालते हैं, यह जो है एक तीसरा सेट मिलता है, जो सेट मिलता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो वही बोला फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो आप ये समझ गए होंगे। अब दूसरा है, कह रहा है कि इफ ए में जो है दो एलिमेंट दिया हुआ है और बी में जो है 3 एलिमेंट दिया हुआ है, जब ए में 2 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, कर आर टू सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में मिलता है, इसलिए ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। तब कहता है ए यूनियन बी अगर निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर हम इस दोनों सेट में ए यूनियन बी निकालते हैं तो 1 2 3 हो गया, और 1 2 3 जो है ये टोटल एलिमेंट बी में मिल रहा है, तो हम 1 2 3 को क्या लिख सकते हैं, सेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी ये किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। कब हुआ,
जब ए इज द सबसेट ऑफ बी रहे या बी इज द सबसेट ऑफ ए रहे, तो हम उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी जो रहेगा वो बी के बराबर हो जाएगा। मतलब जो सेट बड़ा रहेगा वो जिसमें कि किसी भी सेट ए का टोटल एलिमेंट मिलेगा वो सेट के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हैं हेंस ए इज, अगर इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी अगर रहता है तब हम लिख सकते हैं देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। यही आपका प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए ये तो सेकंड नंबर था, थर्ड नंबर में कह रहा है सिंस एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको पता होगा कि टोटल जितना भी सेट होता है वो सभी से बड़ा सेट होता है। बड़ा सेट कहने का मतलब कोई मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है, ये यू जो दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक 6 तक दिया हुआ है, और मान लीजिए इसी सेट में अगर आपको ए सेट दिया हुआ है, ए सेट है और यूनिवर्सल सेट है, इस दोनों सेट का अगर आपको यूनियन बोला जाए कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालिए, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट अगर आप निकालते हैं तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट अगर आप निकालिएगा तो आप देखिए ए का टोटल एलिमेंट किसमें मिल रहा है, यूनिवर्सल सेट में। तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। जब आप 1 2 3 से लेके यहाँ 6 तक लिखते हैं तो ये 6 को आप क्या लिख सकते हैं, एक यूनिवर्सल सेट। मतलब अगर किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन अगर निकालते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या हो गया प्रॉपर्टी, हेंस में लिख सकते हैं हेंस इफ अगर कोई सेट है, जैसे ए सेट है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का सबसेट क्यों हुआ, क्योंकि ए सेट में जितना भी एलिमेंट है वो सेट ए में मिल रहा है, इसलिए ए जो है सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट का। तब हम कह सकते हैं देन ए यूनियन यूनिवर्सल सेट को बड़ा से लिखेगा, यूनिवर्सल सेट ये जो होगा यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक सेट है अगर वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। ये था आपका थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। और फोर्थ में है सिंस फाई इज ए नल सेट, फाई जो है नल सेट है, तो आप क्या जानते हैं कि फाई जो है अगर नल सेट है, मान लीजिए ए कोई नल सेट है, नल सेट का मतलब उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको आप किसे फाई से डिनोट करते हैं। और जब फाई से डिनोट करते हैं तो ए सेट है, कोई सेट ए है, जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और बी जो सेट है वो फाई है, फाई कहने का मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तब आप कह सकते हैं ए यूनिवर्सल सेट फाई इज इक्वल ए यूनियन फाई, फाई मतलब नल सेट हुआ, ए कोई सेट है, ये ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू, अब इसके इक्वल में क्या होगा। अब देखिए जैसे ए और बी दो सेट था, बी जो है वो नल सेट है और ए जो है वो सेट है, वो जो है नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट भरा हुआ है। अगर हम इस दोनों का यूनियन निकालें, ए और बी का यूनियन निकालें, तो आप देख सकते होंगे कि ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए का कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, और यूनियन बी सेट में कुछ एलिमेंट नहीं है, तो अगर बी सेट में नहीं है तो वो टोटल ए सेट का एलिमेंट आ जाएगा यूनियन में 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया, तो आप इसको अगर हम इसको लिख दें ए, अगर हम इसको ए लिखते हैं तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेट ए में जितना एलिमेंट है वही सेट ए यूनियन बी का निकला, बी यहाँ क्या है एक नल सेट है, नल सेट मतलब उसका उसमें कोई एलिमेंट नहीं है आपका, तो आप इसको क्या लिखेगा ए, यही हो गया। अब देखिए कह रहा सिंस एवरी सेट ए, कोई सेट ए है, कोई सेट
ए है तब कहता है सबसेट ऑफ इट सेल्फ, ये जो है खुद का सबसेट है। अगर मान लीजिए बोलेंगे ए है, ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये जो सेट ए है अगर इसी सेट को 1 2 3 4 डबल बार लिख दिए तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट ए में मिल रहा है, वही सेट है तो मिलेगा ही। अब देखिए जब ए इज द सबसेट ऑफ ए हुआ तो आप यहाँ से अगर दैट इज ए इज द सबसेट ऑफ ए अगर है तो आप लिख सकते हैं ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, लिख दिए। अब देखिए सिक्स नंबर कहता है यूनियन ऑफ सेट टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट या यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स कहने का मतलब एक से अधिक सेट्स हो गया, और यूनियन ऑफ टू सेट्स होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या किसको कहते हैं कि आपको पता होगा कम्यूटेटिव लॉ में दो सेट होता है, दो सेट होता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई सेट ए है, कोई सेट ए है उस सेट का एलिमेंट 1 2 है, और कोई सेट बी है जिसका एलिमेंट 2 3 है, दो सेट मान लिए। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ कहता है अगर ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं और बी यूनियन ए निकालते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो ये जो है यूनियन ऑफ टू सेट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, अगर वो दोनों इक्वल नहीं हुआ तो वो होल्ड नहीं करेगा। तो देख लेते हैं होता है या नहीं। अगर ए यूनियन बी निकालिएगा तो इसको क्या लिखते हैं, तो 1 2 फर्स्ट सेट का टोटल एलिमेंट लिख लिए, सेकेंड सेट में जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में है सेकेंड सेट से उसको छोड़ देंगे, रेस्ट एलिमेंट को लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, 1 2 3। अब देखिए बी यूनियन ए निकालते हैं, बी यूनियन ए निकालिएगा तो बी सेट में जो एलिमेंट है 2 है, और ए में को जो सेट बी यूनियन में जो सेट है 2 और 3 है, दो एलिमेंट है। अब देखिए सेट ए में क्या है, कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, बट फर्स्ट वन एलिमेंट जो है दोनों में कंटेन कर रहा है और वन जो है सेट बी में कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए उसको 1 भी लिख देंगे। तो आप देखिए 1 2 3 ये भी हो गया, और इसको भी आप 1 2 3 लिख सकते हैं। अब कहिए कि यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 2 1 1 2 3 1 है, दोनों सेट जो है जो दोनों सेट में एलिमेंट का संख्या 3 है, बट एलिमेंट का जो पोजीशन है वो फर्स्ट पे जो है वो लास्ट में है, और सेकेंड में जो है वो फर्स्ट में है। तो इसमें देखिए इसमें हम इस एलिमेंट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें ये नहीं कह रहा है कि एलिमेंट जो है क्या क्या है, इसमें जो भी एलिमेंट है जैसे 2 3 1 है इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं, इसको 3 2 1 भी लिख सकते हैं, मतलब एक सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो उसको हम 3 तरीका से लिख देंगे। अब देखिए जैसे ये दोनों इक्वल हो गया, इक्वल होने का मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ जो है ये क्या किया, होल्ड किया, तब हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज या हेंस में, हेंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये क्या हुआ तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड किया। अब देखिए उसके बाद आता है यूनियन ऑफ सेट्स होल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ जब भी होल्ड करता है या जब भी लागू होता है तो उसमें कम से कम 3 सेट होना चाहिए, 3 सेट होगा तभी जो है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, और कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करने के लिए कम से कम 2 सेट चाहिए। तब देखिए जैसे आपने 2 सेट ले लिया है और 2 सेट में आपने देखा कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड किया या नहीं किया, अब देखिए इसी में हम एक और सेट बढ़ा देते हैं, तीसरा सेट ले लेते हैं 3 4, ये हो गया। अब देखिए अगर आपको ये ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना रहेगा तो फर्स्ट में आप जानते हैं कि फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट रहता है और बाद में लास्ट 2 के साथ ब्रैकेट रहता है, ये अगर इक्वल हो गया तो यूनियन ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। तो हम देखिए यहाँ से अगर हम पहले ब्रैकेट का निकालते हैं ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी अगर निकालिएगा तो 1 2
वन टू और एक्स्ट्रा एलिमेंट थ्री है जो थ्री सेट बी में है उसको भी लिख ली, और यूनियन सी जो है सी क्या है थ्री फोर, ये हो गया। अब देखिए ए सेट का एलिमेंट लिख दिए वन टू यूनियन, बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, और बी यूनियन सी में आप देख सकते हैं ये सेट ए नहीं होगा, यहाँ सेट सी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कम से कम एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करने के लिए तो कम से कम थ्री एलिमेंट मतलब थ्री सेट होना चाहिए। अगर एलिमेंट है जैसे वन टू थ्री है, वन टू थ्री है, अगर हम कहेंगे वन टू थ्री तीनों को ऐड किए तो ये दोनों वन प्लस टू प्लस थ्री और ये दोनों दोनों ये ब्रैकेट जो है फर्स्ट दो के साथ और सेकेंड बार फर्स्ट दो सेकेंड के में जो है लास्ट दो के साथ जो है ब्रैकेट लगता है। अब देखिए इस हिसाब से यहाँ तो एलिमेंट था और यहाँ जो है सेट है, सेट के हिसाब से हम देखते हैं कि ए यूनियन बी जो निकाले ये हुआ और सी का लिख दिए, फिर ए का एलिमेंट लिख दिए बी यूनियन सी था, तो बी यूनियन सी अगर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं टू थ्री फोर हुआ, ये एक सेट हुआ। अब देखिए दोनों सेट का जब यूनियन निकालिएगा तो वन टू थ्री फोर, क्योंकि ये थ्री जो है दोनों में कंटेन कर रहा है तो एक बार लिख दिए, इसमें फोर कंटेन कर रहा है बट इसमें नहीं कर रहा है तो उसको भी लिख दिए। अब इसमें देखते हैं तो इसमें वन टू, वन टू टू इसमें कंटेन किया और इसमें भी है तो एक बार टू लिखे फिर क्या हो गया थ्री फोर। तो आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है इसमें इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, ए यूनियन बी ये भी क्या हुआ, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, ए यूनियन बी दोनों जो है हम आगे जब मान निकाले तो दोनों मान क्या हुआ इक्वल हो गया। जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया तब हम कह सकते हैं यहाँ हेंस हेंस ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये जो है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड किया। ये किसमें किया तो यूनियन यूनियन जो है ये यूनियन सेट का प्रॉपर्टी है कि अगर दो सेट है तो यूनियन ऑफ टू सेट का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा तो आप देख सकते हैं आपके सामने यूनियन ऑफ टू सेट का कितना प्रॉपर्टी है। तो आज जो है आपको यूनियन ऑफ टू सेट का प्रॉपर्टी के साथ बता दिए हैं, और इसमें अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो हम आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जो आपका है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट है। तो आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।